हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइलिंग लाइफस्टाइल। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप घर बैठे बैठे अपनी स्किन को ब्राइटन, वाइटन और फेयरर बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अभी हम बाहर जा भी नहीं सकते हैं, इंडिया में चल रहा है लॉकडाउन, तो क्यों ना इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया जाए। आप घर में ही बैठे बैठे अगर आपको अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप की अपना ध्यान रखिए और अपने स्किन केयर का ध्यान रखिए, अपने हेयर केयर का ध्यान रखने में बॉडी का ध्यान रखिए। तो ऐसे में सबसे पहले स्किन की बात आती है और सबसे पहले स्किन में फेस की बात आती है। तो आप किस तरीके से अपने फेस को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और वो भी घर की इंग्रेडिएंट्स को ही यूज़ करके, आपको बाहर कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन के का जो ये पीरियड चल रहा है उस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जो कि आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगी। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में बात करेंगे आप किस तरीके से फेस स्क्रब कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन इंस्टेंटली वाइटन और ब्राइटन हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए हाफ ए टमेटो, आपको सिर्फ आधा ही टमाटर लेना है और कोशिश कीजिए जो जूसी टमेटो हो आपको वो लेना है। कुछ टमेटो एकदम सूखे से होते हैं, आपको हार्ड वाला टमेटो नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला लेना है जिसमें पल्प ज़्यादा हो। तो आपको हाफ टमेटो लेना है और उसके अलावा आपको लेना है राइस फ्लावर हाफ अ टेबल स्पून। आपको राइस फ्लावर लेना है, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आपके घर में जो चावल हैं आप उनको पीस सकते हैं, आप उनको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, जिससे कि अगर आप ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट नहीं बनाएंगे तो वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा हार्श हो सकता है। तो कोशिश कीजिए जब आप ग्राइंड करें उसको तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ पेस्ट बनाए उसका। और इसके अंदर जो आपको ये दिख रहा है, ये मैंने इसके अंदर पुदीना डाला हुआ है, मिंट लीव्स मैंने इसमें मैंने सनलाइट में सन ड्राई कर ली थी और उसके बाद मैंने इसको क्रश करके इसमें एक चुटकी पुदीना डाला है, क्योंकि पुदीना क्या करता है, रिफ्रेशमेंट का काम करता है, हमारी इनर बॉडी को भी रिफ़्रेश करता है और ये हमारी आउटर बॉडी को भी रिफ़्रेश करता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको इसको किस तरीके से लगाना है। इस टाइम मैंने सिर्फ अपना फेस वॉश किया है और पैड ड्राई कर लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से लगाना है। आपको टमेटो लेना है और इसमें डिप करना है। इस तरीके से डिप करने के बाद यहाँ पर आप कटोरी को अपने साथ ही रखिए ताकि इन केस अगर ये गिरता है तो कहीं गंदगी ना हो। और आपको पूरे फेस पे अच्छे से इसको रब करना है। आप कोशिश कीजिए छोटा ही टमेटो लीजिए, आप ज़्यादा बड़ा लेंगे तो टमेटो वेस्ट हो सकता है। और मैं यही कोशिश करती हूँ किसी भी चीज़ में कोई भी वेस्टेज ना हो। आपको इसे अच्छे से लगाना है सारे फेस पे और सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। इसको लगाते टाइम आपको थोड़ा सा स्क्वीज भी करते जाइए इसको, ताकि टमेटो का जो पल्प है उसमें से निकलता रहे। टमेटो हम इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टमेटो में होता है विटामिन ए एंड विटामिन सी, जो कि आपके फेस की डलनेस को ख़त्म करता है, आपके फेस को ब्राइट बनाता है, आपके फेस पे होने वाले पिंपल और एक्ने को ख़त्म करता है, ओपन पोर्स को रिड्यूस करता है। जिस तरीके से टमाटो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, खाने में अच्छा होता है, उसी तरीके से ये हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपको एक पिंकिश लुक भी देता है अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो। आपको इसको रेगुलर मतलब डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना है, आपको इसको इस स्क्रब को ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन मेरी तरह ड्राई है तो वंस अ वीक ही कीजिए, क्योंकि इससे आपके पोर जो है ओपन हो सकते हैं अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो। तो चलिए ये मैंने लगा लिया है, अब थोड़ी सी हाथ से मसाज कर लेते हैं। अगेन आपको सर्कुलर मोशन में ही मसाज करनी है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में।
चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं अपना फेस वॉश, आपको इसको 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने देना। आपको इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है, आपको सेमी ड्राई करना है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर 15 मिनट्स अपना फेस वॉश करके। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप शायद देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर रिजल्ट। मेरी स्किन हो गई है सुपर 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 डुपर स्मूथ। और मैंने फेस वॉश करने के बाद एलोवेरा जेल लगाया था और कुछ नहीं लगाया है। तो जस्ट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पिंकिश ग्लो भी आ रहा है स्किन पे, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है स्किन, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रही हूँ मैं। तो आप भी ये रेमेडी घर में ट्राई कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये रेमेडी ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेमेडी कैसे लगी और किस तरीके से आपने अपने टाइम को यूटिलाइज किया और अपनी स्किन पे ध्यान दिया। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।